Okay, so another problem in regression which was there in the last year, which was there in 2017. Just going through the question, you all listen to this carefully. Child specialist observed 10 school students for their average calories intake. यहाँ पर जो एवरेज कैलोरीज इनटेक उसको क्वेश्चन में एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है एंड बॉडी वेट इन किलोग्राम और जो वेट है किलोग्राम में उसको वाई से इंडिकेट किया गया है. तो दो मेजर वेरिएबल हैं एवरेज कैलोरीज इनटेक represented by x in this question. This was question number 2 b part in 2017. Now further, the data analyst offered following summation quantities based on the basic data of the two variable. तो आगे कुछ data भी given है आप लोगों को और वो data एक बार बताइएगा क्या क्या values given है हमारे को यहाँ पर summation x summation x is given what is it 166 summation next, y 577 summation xy 9840 summation x square 2892 and summation y square equals to 33927. ये डेटा तो गिवन है राइट. जनरली x और y की फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है तो x का टोटल कर दें आप तो समेशन x मिल जाएगा, y का टोटल कर दें तो समेशन y मिल जाता है. उसके बाद x को y से मल्टीप्लाई करके उनका टोटल कर दें तो समीशन एक्स वाई आ जाता है. फिर एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर उनके कॉलम्स अलग से बनाने पड़ते हैं और उनका समीशन किया जाता है तब जाकर समीशन एक्स स्क्वायर और समीशन वाई स्क्वायर आते हैं. लेकिन यहाँ पर ये सारी वैल्यूज आपको डायरेक्टली गिवन है. सो यू नो समटाइम्स द एग्जामिनर्स दे मेक द टास्क इजी. वो जो काम आपको करना पड़ता है एक्स से एक्स स्क्वायर वाई से वाई स्क्वायर एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके टोटल करना वो सारी की सारी वैल्यूज गिवन है. अब क्या करना है पढ़िए फर्स्ट पार्ट. एब्सोल्यूट इंक्रीज इन वेट पर यूनिट ऑफ कैलोरीज इनटेक. एब्सोल्यूट इंक्रीज इन वेट मतलब वाई निकालना है. तो वाई निकालना है अगर आपको हो तो इसके अंदर इक्वेशन यूज करनी पड़ती है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. आपको यहाँ पर इंक्रीज इन वेट कैलकुलेट करना है राइट. एब्सोल्यूट इंक्रीज इन वेट आगे क्या लिखा हुआ है और वो इक्वेशन ध्यान रखिएगा y is equal to a plus bx क्योंकि हमें वेट निकालना है. अगर कैलोरीज निकालनी होती तो x वाली इक्वेशन यूज की जाती वो होती है x is equal to a plus by. लेकिन यहाँ पर फोकस है ओवर द कैलकुलेशन ऑफ वेट. तो वेट के लिए इक्वेशन ध्यान रखिएगा y is equal to a plus bx ये फर्स्ट पार्ट है और इसमें a और b दो कांस्टेंट हैं. इनकी वैल्यू निकालने के लिए आप फर्दर वो इक्वेशन यूज करते हैं जो है समेशन y is equal to na plus b समेशन x. तो डेटा तो हमें यहाँ से गिवन है यहाँ से अब सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है इस क्वेश्चन का. और एक और इक्वेशन जो यूज करेंगे वो है समेशन एक्स वाई is equal to a summation x plus b summation x square. तो ये दोनों equations का use किया जाएगा क्या करने के लिए a और b की value निकालने के लिए. उससे फिर हमारे पास increase in weight पता लगेगा. अब चलते हैं calculations पर. summation y वो हमें directly given था 577 and total number of candidates कितने हैं यहाँ पर इस question के अंदर 10 right. Child specialist observed 10 students. So 10 A and मतलब number of observations. तो main equation तो ये वाली है. अब ये दोनों equations use होंगी किसके लिए A और B की value निकालने के लिए. तो N मतलब 10 A plus B summation X.
समेशन एक्स कितना है हमारे पास 166, बी को बी दीजिएगा, समेशन एक्स यहाँ से दिया गया है। नेक्स्ट समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स वाई है 9840 इज इक्वल टू ए समेशन एक्स, समेशन एक्स कितना है 166 ए प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 2892 और बी को बी लिख दीजिएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, जो समेशन वाई 577 गिवन था, समेशन एक्स 166 एज इट इज प्लेस किया, ए को ए छोड़ दिया और बी को बी रहने दिया। उसके बाद समेशन एक्स वाई था 9840, समेशन एक्स एज इट इज 166 पे किया, ए विल रिमेन ए, समेशन एक्स स्क्वायर 2892 बी विल रिमेन बी होंगी। अब हमें इनमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा ताकि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए, राइट। तो अब एलिमिनेशन के लिए पहले तो आप ये पहचानो कि इनमें से छोटे कोफिशिएंट्स किसके हैं, ए के या बी के, ए के। तो अब कोफिशिएंट्स कैसे बराबर होंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहली के कोफिशिएंट को दूसरे से और दूसरे के कोफिशिएंट को पहले से। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप फर्स्ट के कोफिशिएंट को सेकंड से और सेकंड के कोफिशिएंट को फर्स्ट से। तो पहले 166 को करो 577 से मल्टीप्लाई और बताइए क्या आ रहा है, 95782। 166 को 10 से किया तो 1660, ए तो ए रह जाएगा। और अब 166 को 166 से मल्टीप्लाई करिएगा 22,756। 10 को इन सबसे मल्टीप्लाई किया तो 9840 1660, ए तो ए रहेगा, 28920 बी विल रिमेन बी। अब क्या करेंगे, हम साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करने पर ये तो कैंसिल हो गया सीधे, इन्हें तो कैंसिल करना था। अब आप अपने अपने कैलकुलेटर से 95782 माइनस 98400 करके बताइए कितना आ रहा है, 95782 माइनस के 2618 और 27556 माइनस 28920 1364 बी। अब क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1364 क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे चला जाएगा तो बी की वैल्यू हो जाएगी 2618 अपॉन 1364, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल और 1364 नीचे गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 2618 अपॉन 1364 क्या आ जाएगा, बी 1.919। ये तो आ गया बी। अब इसकी वैल्यू फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी प्लेस कर दीजिएगा, उससे ए निकल आएगा। सो वी विल पुट बी इज इक्वल टू 1.919 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन दी 577 इज इक्वल टू 10 ए प्लस, फर्स्ट में इसलिए क्या, क्योंकि वो छोटी है, सेकंड में भी करें आप तो आंसर सेम ही आएगा, राइट। अब 166 बी, तो आप मल्टीप्लाई करिएगा 166 को 1.919 से, क्योंकि बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो आई थी 1.919, राइट। नोट आराम से करिएगा, पहले समझ लीजिए। तो 166 इंटू 1.919 क्या आ जाएगी ये वैल्यू, 166 इंटू 1.919 18.554, राइट। अब इस प्लस की वैल्यू को दूसरी साइड ले जाएंगे, माइनस हो जाएगी तो 577 माइनस 318.554 इज इक्वल टू 10 ए और 577 माइनस 318.554 करिएगा एक बार और बताओ कितना आ रहा है, 258.446 इज इक्वल टू 10 ए।
अब ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे चला जाएगा तो 258.446 अपॉन 10 इज इक्वल टू ए व्हिच विल इंप्लाई ए इज इक्वल टू 25.8446। ये आ जाएगी आपके पास ए की वैल्यू। तो अभी हमने वेरिएबल एलिमिनेट करके पहले बी निकाला और बी की वैल्यू फर्स्ट में रख दी तो ए आ गया। अब हम अपनी दोनों वैल्यूज को इस प्राइम इक्वेशन में रखते हैं जो कि थी y is equal to a plus bx। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y is equal to 25.8446 plus b कितना था हमारे पास 1.919x। This is called as the regression equation of y on x। पहले तो नोट करिएगा यहां तक, फिर उसके बाद आगे सिखाते हैं आपको कि आगे ये पार्ट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। काइंडली नोट डाउन रखते हैं, then we will proceed further। Okay, done? Next, अब हमारे पास ये इक्वेशन तो थी और y is equal to a plus bx, तो y is equal to 25.8446 plus 1.919x। ये आ गई इक्वेशन ऑफ y on x। y रिप्रेजेंट कर रहा था वेट को। फर्स्ट पार्ट एक बार और पढ़िएगा क्या पूछा गया है फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन में। एब्सोल्यूट इंक्रीज इन वेट पर यूनिट ऑफ कैलोरीज इनटेक। पर यूनिट, पर मतलब एक यूनिट, 1 यूनिट कैलोरी इनटेक पर एब्सोल्यूट इंक्रीज कितना हो रहा है। तो एब्सोल्यूट इंक्रीज कितना हो रहा है उसके लिए इंक्रीज इन वेट पर यूनिट, पर मतलब 1 यूनिट, पर यूनिट ऑफ कैलोरी इनटेक तो अगर हम यहां पर x की वैल्यू 1 रख दें, राइट, ध्यान से सुनिएगा इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1। तो अगर ये 1 रखें तो 1 को 1.919 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 1.919 हो जाएगा। इसका मतलब व्हेन x इज इक्वल टू 1 एक कैलोरी इनटेक पर जो नेट इंक्रीज है एब्सोल्यूट इंक्रीज इन y हो जाएगा 1.919, राइट, एब्सोल्यूट इंक्रीज। अगर टोटल इंक्रीज निकालना है तो टोटल के लिए तो आप इस पूरे को सॉल्व कर देना, तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा 25.8446 प्लस 1.919, बताइए कितना आ रहा है, 27.7636 वो आ जाएगा टोटल। लेकिन एब्सोल्यूट मतलब केवल एक यूनिट पर कैलोरी इंटेक पर इंक्रीज कितना हो रहा है बॉडी वेट 1.919 किलोग्राम से। अब इसमें एक और चीज पूछी है सेकंड पार्ट के अंदर, मिनिमम वेट, मिनिमम वेट कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक्स की वैल्यू जीरो रख दीजिएगा। एक्स की वैल्यू जीरो रखी मतलब विदाउट एनी कैलोरी इनटेक तो वाई कितना रहेगा 25.8446, तो दैट विल बी द मिनिमम वेट। व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब एक्स जीरो रहेगा तो वाई की वैल्यू जितनी आ रही 25.8446 किलोग्राम विल बी द मिनिमम वेट। नेक्स्ट, अब इसमें एक थर्ड पार्ट और है, क्या है थर्ड पार्ट, द मोस्ट लाइकली वेट अगेंस्ट अ कैलोरी इनटेक ऑफ 25। तो थर्ड पार्ट के अंदर इसमें ये बोला है कि कैलोरी इनटेक 25 है, उससे कैलोरी इनटेक 25 रखने पर मोस्ट प्रोबेबल वेट क्या होगा। तो हमारी इक्वेशन तो अभी भी वही रहेगी 25.8446 प्लस 1.919x। तो अब यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ पर सीधे ही x की वैल्यू 25 रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। पहले पार्ट में पर यूनिट का था तो x की वैल्यू 1 रखी, सेकंड पार्ट में 0 था तो 0 रख दी। अब थर्ड पार्ट के अंदर x की वैल्यू 25 लीजिएगा और सॉल्व करके बताओ क्या आ रही है वैल्यू। सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आ रही है, 73.8196 73.8196 किलोग्राम।
दिस विल बी द मोस्ट प्रोबेबल वेट, राइट। अब नोट करिएगा, यहां तक कोई भी दिक्कत हो वो दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या पूछा गया है लास्ट पार्ट के अंदर? स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। अब स्टैंडर्ड एरर के लिए फोर्थ पार्ट, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दैट इज 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एन, राइट। स्टैंडर्ड एरर, इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, यह है 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। अब यहां पर एन तो 10 है, लेकिन आर नहीं है हमारे पास। आर स्टैंड्स फॉर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकालने का पहले तो फॉर्मूला याद रखिएगा, वो होता है समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर बाय एन एंड समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर बाय एन। तो सबसे पहले तो आर की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला नोट करिएगा। फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर बाय एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। यही फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन स्क्वायर ऑफ वैल्यूज मेथड। कार्ल पियर्सन के काफी सारे फॉर्मूले सिखाए हैं आपको, एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, स्क्वायर ऑफ वैल्यूज, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। यहां पर जो डेटा गिवन है उस डेटा के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के समेशंस गिवन है, तो वहां से आपको एस्टिमेट करना है कि कार्ल पियर्सन का ये वाला ही फॉर्मूला लगेगा। जब कभी समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन वाई स्क्वायर गिवन होंगे तो आपको वहां पर स्क्वायर्स और वैल्यूज मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला यहां लिखा गया है। अब आप लोग अपनी अपनी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में प्लेस करिएगा और प्लेस करके सॉल्व करके बताओ कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना आ रहा है। पहले तो आर निकलेगा, फिर आर को इस फॉर्मूले में प्लेस करना है, तब जाके निकलेगा स्टैंडर्ड एरर, राइट। ये देखो कैसे, तो यहां पर कैलकुलेशन ऑफ आर, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स वाई कितना है हमारे पास 9840 माइनस समेशन एक्स, समेशन एक्स की वैल्यू थी यहां पर 166, देन समेशन वाई, समेशन वाई कितना था 577 होल डिवाइडेड बाय 10। 10 ही क्यों? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है क्वेश्चन में 10। नेक्स्ट डिवाइड करना है समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर कितना था क्वेश्चन में 2892 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, समेशन एक्स ये था 166, तो 166 का होल स्क्वायर किया और 10 से डिवाइड कर देना। नेक्स्ट उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, समेशन वाई स्क्वायर, अभी समेशन वाई स्क्वायर यहां पर गिवन है 33927 माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, तो समेशन वाई कितना था 577 का होल स्क्वायर किया और 10 से डिवाइड कर दिया, राइट। इन वैल्यूज को प्लेस किया हमने फॉर्मूले में, दोबारा ध्यान दीजिएगा, समेशन एक्स वाई 9840, फिर समेशन एक्स और समेशन वाई लेना है और इनको मल्टीप्लाई करना है, तो समेशन एक्स था 166, समेशन वाई था 577, दोनों को मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि इस क्वेश्चन में है 10। नेक्स्ट समेशन एक्स स्क्वायर 2892 और समेशन एक्स है 166 का होल स्क्वायर अपॉन 10। नेक्स्ट समेशन वाई स्क्वायर 33927, तो यहां प्लेस किया
माइनस किया समेशन वाई 577 का होल स्क्वायर अपॉन 10। अब सबसे पहले अपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करो 166 इनटू 577 और डिवाइडेड बाय 10 करके बताइए कितना आ रहा है। 166 इनटू 577 9578.2। नेक्स्ट स्क्वायर रूट में 2892 तो है ही, 166 का स्क्वायर करिए और 10 से डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है। 166 into 166 और फिर 10 से डिवाइड किया 2755.6 और एक और स्क्वायर रूट है 3392 तो एज इट इज 577 का स्क्वायर अपॉन 10 577 मल्टीप्लाइड बाय 577 जो आंसर आया उसको 10 से डिवाइड कर दीजिएगा और बताइए वैल्यू कितनी आ रही है। 33,292.9 चेक कर लीजिएगा एक बार और। नेक्स्ट अब न्यूमरेटर में 9840 माइनस 9578.2 और बताइए कितना आ रहा है। 261.8 और डिनोमिनेटर में 2892 माइनस 2755.6 जो भी आए सीधा स्क्वायर रूट करके बताइए क्या आ रही है वैल्यू। 11.679 इसको मल्टीप्लाई करना है अभी 33927 माइनस 33292.9 माइनस करिएगा और सीधा स्क्वायर रूट करके बताइए क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास। 25.181 अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है। डिनोमिनेटर के अंदर 11.679 इंटू 25.181 और सॉल्व करके बताइएगा कि क्या वैल्यू आ रही है। What is the answer? Hurry up, be quick. 294.1024 चेक कर लिया वैल्यू को 11.679 इंटू 25.181 294.09 आ रही है वैल्यू। थोड़ा सा एरर था 294.09। अब 261.8 को डिवाइड करिए 294.09 से और बताइए क्या वैल्यू आ रही है आर की। 261.8 अपॉन 294.09 दैट विल बी द वैल्यू ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.989 जो आंसर आए उसको डिवाइड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 10 से। तो बताइए पहले 0.89 का स्क्वायर कितना होगा।
0.7921. सो यहाँ पे लिख देते हैं स्टैंडर्ड एरर, इट इज 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एन. तो 0.89 का स्क्वायर करना है और उसको अंडर रूट 10 से डिवाइड करना है. तो अभी यहां पर 0.89 का स्क्वायर बता रहे हैं 0.7921 और 10 का स्क्वायर रूट 3.162. अब 1 में से 0.7921 को माइनस करिए और जो आंसर आएगा उसको सीधे ही डिवाइड कर देना 3.162 से और बताइए क्या आंसर आ रहा है. वही हो जाएगा आपका 0.0657. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर. जो भी आपने काम किया उसमें एरर की गुंजाइश 0.0657 है. इसको निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन. एन यहां पर था 10 का स्क्वायर रूट किया और आर है यहां पे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. उसके लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना है. इस फॉर्मूले से पहले तो आपने आर निकाला और आर को यहां स्टैंडर्ड एरर वाले फॉर्मूले में प्लेस किया तब जाकर निकलेगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट. तो नोट कर लीजिएगा यहां तक और कोई भी दिक्कत हो वो पूछ सकते हैं आप.